जनपद रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर दुर्गाधार में महिलाओं के द्वारा दो दिवसीय लोक सांस्कृतिक नाटक का भव्य मंचन किया गया। ग्राम प्रधान बोरा जयंती गोसाई के नेतृत्व में प्रथम दिन वीरभड़ माधो सिंह भंडारी एवं दूसरे दिन द्रौपदी चीरहरण गढ़वाली नृत्य नाटिका का सुंदर आयोजन किया गया। वहीं पहले दिन मुख्य अतिथि कोतवाली निरीक्षक रुद्रप्रयाग जयपाल सिंह नेगी व भाजपा नेता भूपेन्द्र सिंह भंडारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा नेता भूपेन्द्र भंडारी ने कहा है कि उत्तराखंड के महान सपूत वीरभड़ माधव सिंह के भंडारी का हम 16वें वंशज के रूप में हैं। उन्होंने माधव सिंह भंडारी के संक्षिप्त इतिहास को दोहराया और उनके द्वारा किए गए मलेथा के बलिदान की कहानी सभी दर्शकों को समझाई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कृपया भाई श्री किशन सिंह गोसाई जी ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए दिया है। मैं भगवान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। पहले दिन 20 तारीख में तो वीरभड़ माधो सिंह भंडारी का अभिनय जो है मंचन किया गया। दूसरे दिन द्रौपदी चीरहरण, लेकिन मैं समझता हूं कि सारे इस तल्ला नागपुर क्या के हमारे स्टेट में क्या पूरी कंट्री में जो है ऐसा कार्यक्रम या प्रेरणास्पद पहला हमें देखने में आया है। क्योंकि अगर आप महिलाओं से सोच रहा कि हमारी महिलाएं हमारी माँ बहन अग्नि पढ़ा तो बार बार कार्यक्रम करवाए लगा रहे और बच्चों को भी बहुत अच्छा उत्साह हुई। हमारे ग्राम सभा बोरा के माँ दुर्गा मंदिर परिसर दुर्गाधार में दो दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले दिवस में वीरभड़ माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका और द्वितीय दिवस में द्रौपदी चीरहरण नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।